जी हमने सागुदाना के पापड़ बनाए हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार हैं। इतनी आसान है कि आप इनको फ़ौरन बना लेंगी, लेकिन इसको सूखने में 1 से 2 दिन लगेंगे। और अच्छी तरह सूख गए तो आप 1 से 1.5 साल तक इनको महफूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी हैं, बच्चों के लिए, बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। बाहर की चीज़ें देने से बेहतर है कि आप उनको घर में इस तरह पापड़ बना दें, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पापड़ हमने किस तरह बनाए हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें, और इसी के साथ ही रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दें देखे बगैर ही। तो चलिए आइए सागुदाना के पापड़ बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते और खुशोखुरम होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, और वो है सागुदाना के पापड़ जी। ये सागुदाना के पापड़ बना रही हूँ मैं, जो बहुत ही हेल्दी होंगे, मज़ेदार होंगे और बनाने में बहुत ही आसान होंगे। ये बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाए जाते हैं। आज मैं आपको ये वाली रेसिपी दे रही हूँ, इंशाल्लाह जल्द मैं आपको इसकी दूसरी तरीके से भी एक रेसिपी दूंगी। तो 1 कप सागुदाना लेकर मैंने उसको 2 कप पानी में 2 से 3 घंटे भिगो दिया। ये देखें, ये आप दबाएँ तो वो इस तरह होना चाहिए। ये मेरे हाथों में कलर लग गया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये देखें इस तरह हो जाए ये जब इसको दबाएं तो पानी जो है इसमें नहीं होना चाहिए। और अब हम इसमें शामिल करते हैं 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच अजवाइन, जिसको मैंने 2-3 डंडे मारकर जो है वो कर लिया है, दरदरा कर लिया है। 1 चम्मच ज़ीरा है जो मैंने दरदरा कर लिया है, और चिली फ्लेक्स है। आप बहुत सारे फ्लेवर्स ले सकते हैं इसके, कुछ भी इसमें मिक्स करके बना सकते हैं। हरी मिर्चें, अदरक, धनिया, सब कुछ आप इसमें मिला सकते हैं, जो आपका दिल करे। स्पाइसी भी कर सकते हैं, सादे भी रख सकते हैं, सिर्फ ज़ीरा और नमक डालकर। बच्चों को पसंद आएंगे बहुत ज़्यादा। तो हम ये इसमें डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही मज़ेदार होंगे, आप इसको सालों महफूज रख सकते हैं। साल 2 साल जो है वो आपके आराम से रख सकते हैं इसको, किसी जार में डाल लें। लेकिन शर्त यह है कि इसको खुश्क बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो ये देखें, ये बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है हमने। और अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मेरे पास कुछ कलर्स हैं। ये देखें, ये ऑरेंज है यानी कि पीला हो जाएगा, ये रेड कलर है और ये ग्रीन कलर है। इसको मैंने आधी से कम चाय की चम्मच, ये तीनों कलर हैं यानी कि 1/4 चाय का चम्मच होगा, और उसके बाद मैंने आधा आधा चाय का चम्मच इसमें पानी शामिल करके इसको मैंने इस तरह मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें सागुदाना जो है वो मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। पहले मैं उसको मिला लेती हूँ ताकि नमक जो है वो हर जगह अच्छे से चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें 2 चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है। ये देखें, 2 चम्मच शामिल करके इसको अच्छे तरीके से जो है वो मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, ये पीला कलर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, क्योंकि ये देखने में कलर डार्क होता है लेकिन जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये हल्का हो जाएगा। ये देखें, ये हो गया है पीला। अब हम रेड में शामिल करते हैं, 2 चम्मच मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये हो गया हमारा रेड कलर। इसको थोड़ी देर हम बड़ा रहने देंगे। अब हम ग्रीन में मिलाते हैं, ग्रीन में भी 2 चम्मच मिला दिए हैं। अब ये देखें, ये हो गया है हमारा ग्रीन कलर, बहुत खूबसूरत लगते हैं, जैसे मोती होते हैं। तैयार होंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे, इस जायके में बहुत अच्छे होते हैं, सेहत बख्श होते हैं। ये देखें, ये हमारे तीनों कलर्स जो हैं वो हो गए हैं रेडी, और हमारे पास वाइट पार्ट भी बचा है। ये देखें, मैं इसको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह करना है। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे। थोड़ी देर हमने इसको छोड़ दिया है ताकि जो कलर का पानी था वो सोख हो जाए इसमें, ये इसको सोख कर ले और ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और अब हमने क्या करना है, हमने एक बर्तन ले लिया है लैदा से, इसमें 2 चम्मच हम जो है वो वाइट पार्ट डालेंगे। ये देखें, ये डाला हमने, 1 चम्मच हम इन कलर्स वाले पार्ट में से डालेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, इसको पहले मिलाएंगे। ये देखें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, और रेड वाले पार्ट में से भी एक लेंगे 1 चम्मच। ये देखें, और इसको मिक्स करेंगे।
कितने खूबसूरत लग रहे हैं देख सकते हैं। और इसमें से भी लेंगे हम इतना ही, ये देखें, और इसको मिक्स करेंगे। ये देखें जी, कलरफुल बन गया है हमारा। हम चाहें तो एक एक कलर ही ले सकते हैं, जितना एक एक कलर होता है, यानी कि हम सिर्फ ग्रीन के भी बना सकते हैं, हम सिर्फ रेड के भी बना सकते हैं, और हम सिर्फ येलो के भी और सिर्फ वाइट के भी बना सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये कलरफुल हो गया है, कितना खूबसूरत हो गया है। ये मैंने आपको करके दिखाया, ये देखें कितने ज़बरदस्त मोती लग रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर हमने एक डिश को ग्रीस करके रखा हुआ, बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। और यहाँ हमने पानी रखा हुआ है उबलने के लिए, पानी जो है वो उबल गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। अब हमने ये करना है कि यहाँ से एक चम्मच उठाकर हमने इसको इस तरीके से ऐसे, और सब दाने आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, ये देखें, इसको इस तरीके से आपने यहाँ रख देना है, और पतला होना चाहिए ये, इसको मोटा नहीं होना चाहिए इसकी तय को, ये देखें। ये तरीका हो गया। आप चाहें तो एक चूड़ी रखकर और उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, ये देखें। चम्मच आपने एक ही डालना है, ये देखें, ये गोल हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद आप चूड़ी उठा सकते हैं इसकी, ये देखें इस तरीके से, ये चूड़ी आप उठा लें, और इसको जो पार्ट बिखर गए हैं उसको आप इस तरह कर दीजिएगा, ये देखें, ये बिल्कुल गोल बनेगा, ये देखें, ठीक है। आपने इस तरह तमाम जो है वो बना लेने हैं, ये देखें मैं इसी तरह बनाऊंगी। आप चाहें तो गोल कर लें इसको चूड़ी रखकर, लेयर आपकी पतली होनी चाहिए और तमाम दाने आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। बहुत खूबसूरत कलर है, ये देखें, इसी तरीके से आप तमाम बना लें। इसमें तमाम जो है वो लग गए हैं, मैंने जितने इस डिश में लग सकते थे वो मैंने लगाए हैं, और यहाँ जो पानी है मैं उसके ऊपर इस डिश को रख रही हूँ, ये देखें, और इसके ऊपर मैं ढक देती हूँ एक ढक्कन, और जस्ट चार से पाँच मिनट बाद इसको खोलेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल ये तैयार हो गए हैं। अब हम इसको निकालते हैं साइड पर। हमने एक प्लास्टिक शीट ली है और इस तरह एक चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से इसको उतार कर हमने, ये देखें, इसको शीट पे रख दिया है। अब अपना नेक्स्ट पार्ट जो है कलर्स का वो लगाते हैं उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें तमाम पापड़ जो हैं वो मैंने बना लिए हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह कितने कलरफुल लग रहे हैं। ये देखें, ये मिक्स कलर हैं, ये मैंने बना लिए हैं। ये थोड़े से डार्क कलर मैंने किया है, रेड को डार्क कलर कर दिया था, और ये देखें ये रेड कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये येलो है, देखें ये ग्रीन है, ये मिक्स हैं ये भी हल्के से, और ये वाइट हैं, ये देखें। ये मैंने तमाम जो हैं वो बना लिए हैं, एक प्लास्टिक शीट पे डाल दिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ उसको धूप में रखने के लिए। इसको सूखने में तकरीबन अगर धूप तेज़ है तो 2 दिन लगेंगे, और अगर हवा में नमी ज़्यादा है और बारिश का मौसम है तो 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। तो जब ये सूख जाएंगे तो ये श्रिंग हो जाएंगे, थोड़े से ये छोटे हो जाएंगे, लेकिन जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये दोबारा से बड़े हो जाएंगे। तो चलिए मैं इनको धूप में रख के आती हूँ और फिर मिलती हूँ जब ये सूखते हैं, तो फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 2 दिन हो गए हैं, आज 3रा दिन है, और पापड़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सूख गए हैं, इसीलिए ये छोटे हो गए हैं। आवाज़ सुन सकते हैं आप इनकी। ये अच्छी तरह सूखेंगे तो आप 1-1.5 साल तक इनकी जो है इनको महफूज रख सकते हैं, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, ये कलरफुल है, और ये जो है मिक्स कलर है जो मैंने मिक्स किया था, आप देख सकते हैं बाकी एक अलग-अलग कलर्स हैं, और ये जो है ये वाइट पार्ट था, ये इनके साथ थोड़ा थोड़ा सा कलर लग गया है, और ये बहुत ही अच्छे फ्राई हुए हैं, आप आवाज़ें सुन सकते हैं, ये देखें। तो अब मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। घी में तेल रख दिया है गरम होने के लिए, और तेल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गरम हो गया है। अब मैं डालती हूँ इसमें पापड़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाला, और आपने इसको दबा, थोड़ा सा दबाना है, इसको दबा दबा कर आपने करना है। देखिए माशाल्लाह
माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त फ्राई हुआ है, ये देखें कितना अच्छा फूल गया है, ये देख सकते हैं आप। एक एक करके करें और इसको फ्राई करते जाएं। थोड़ा सा डीप फ्राई करना है आपने इसको, थोड़ा सा सेकना है अच्छे तरीके से। अगर पापड़ अच्छे तरीके से खुश्क हो गए हैं आपके, सूख अच्छे तरीके से गए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होंगे। ये देखें इसको निकालते हैं, दूसरा वाला डालते हैं, ग्रीन किया था अब रेड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह दबाना है इसको। ये देखें थोड़ा सा दबाएंगे तो बहुत ही अच्छा फूलेगा माशाल्लाह। देखें ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारे पापड़ तैयार हुए हैं। थोड़ा सा सेंकना है अच्छे तरीके से ताकि मज़ेदार कुरकुरा सा हो जाए। बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत हेल्दी हैं, क्योंकि सागुदाना से बने हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। दूसरे सबसे बड़ी बात कि आपने घर में बनाए हैं। आपने देखा कि कितने ही आसान तरीके से हमने ये इतने अच्छे, इतने ज़बरदस्त, मज़ेदार और हेल्दी पापड़ बना लिए हैं। ये देखें ग्रीन और रेड, अब हम येलो वाला फ्राई करते हैं। ये सब कलर्स मैं आपके लिए कर रही हूँ, आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं, देख सकते हैं आप सारे पापड़ कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये देखें थोड़ा सा रखना है आपने, एकदम से बाहर नहीं निकालना, थोड़ा सा सेंक कर निकालना है इसको, फिर ये बहुत ही मज़ेदार कुरकुरे हो जाएंगे। देखें ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से निचोड़ दें, इसमें ऑयल नहीं होना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं आप। और अब मैं मिक्स कलर वाला डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी ये देखें मिक्स कलर वाला भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ये देखें मेहमानों के सामने ये पापड़ रखेंगे, आपसे ज़रूर पूछेंगे कहाँ से लाए, और जब आप उनको ये बताएंगी कि ये मैंने ख़ुद बनाए हैं, तो यकीन करें आपकी तारीफ़ें इतनी होनी हैं कि आपसे समेटी नहीं जाएंगी। ठीक है जी, अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए जितने पापड़ फ्राई करने थे वो मैं कर चुकी हूँ। ये देखें जी ये मिक्स वाला भी हो गया है फ्राई, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें जी, तो कैसे लगे हैं आपको सागुदाना के पापड़ कलर्ड वाले, ये देखें कितने ज़बरदस्त हैं। पसंद आए हैं तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बल्कि अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो मैं आपको खा के दिखाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आप आवाज़ सुनिएगा, देखा कितनी कुरकुरी आवाज़ है इसकी। आज जी हमने सागुदाना के पापड़ बनाए हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार हैं, इतनी आसान है कि आप इनको फ़ौरन बना लेंगी, लेकिन इसको सूखने में 1 से 2 दिन लगेंगे, और अच्छी तरह सूख गए तो आप 1 से 1.5 साल तक इनको महफूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी हैं बच्चों के लिए, बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। बाहर की चीज़ें देने से बेहतर है कि आप उनको घर में इस तरह पापड़ बना दें, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पापड़ हमने किस तरह बनाए हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें, और इसी के साथ ही रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दें देखे बगैर ही। तो चलिए आइए सागुदाना के पापड़ बनाते हैं।